Hello and welcome to all the viewers out there. So guys, in this video, we are going to review IMT Nagpur. आप सबने IMT गाजियाबाद तो सुना ही होगा, तो ये उसका सेकेंड कैंपस है जो कि नागपुर में है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप और किसी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत से कॉलेजेस को मैंने रिव्यू किया है जिसमें कि आपको सारी सच्चाई बताई है हर कॉलेज से रिलेटेड। So guys, let's start reviewing IMT Nagpur. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कैंपस कैसा है, इसकी हॉस्टल लाइफ, रैंकिंग्स, कट ऑफ फीस, क्या टोटल फीस है और शेड्यूल ऑफ पेमेंट, कौन से महीने में आपको कौन से ट्राइमेस्टर की फीस कब देनी है वो डिस्कस करेंगे, क्लब्स, इनके इनके एनुअल इवेंट्स, इनका जो स्टूडेंट फेस्ट है, प्लेसमेंट्स एंड टॉप रिक्रूटर्स, लोन कौन से बैंक से आपको इजिली लोन मिल जाएगा IMT नागपुर के लिए, कौन से रोल्स ऑफर किए जाते हैं जब जॉब मिलती है, प्लेसमेंट होती है, अंदर की बातें एंड शुड आई कंसिडर इट और नॉट का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, उसको तो भाई एंड में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग IMT नागपुर एंड सबसे पहले रिव्यू करते हैं इसका कैंपस। कैंपस भाई 9.5/10 की रेटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, ब्रिक रेड कलर का कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस। जब सुबह सुबह सूर्य देवता जी की किरणें ऐसे पड़ती है ना कैंपस पे, वो दृश्य देखने लायक होता है। मतलब इतना सुंदर होता है कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप जब वहां पर जाओगे, उसको देखोगे, तब आपको सही में समझ में आएगा। द कैंपस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2004। इसका मैंने आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, अगर आपको भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। उसके बाद इट इज लोकेटेड On 27 acres ground, मतलब 27 acres में ये campus located है, भाई बहुत बड़ा campus है। 27 acres छोटी जगह नहीं होती, हम काफी पीछे videos में देख चुके हैं जहां पर कोई कॉलेज जो है, कोई कुछ campuses ऐसे जो 3 acres में है, कुछ campuses 1.5 acres में है, तो आप सोच सकते हो 27 acres का campus, भाई ये एक resort के जैसे है, literally एक resort का जैसा है, वो आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। उसके बाद फुली रेसिडेंशियल कैंपस है, मतलब अगर आप नागपुर में भी रहते हो तब भी आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं इनका क्लासरूम। तो भाई सबसे पहले ये रहा इनका क्लासरूम। तो जो क्लासरूम है वो एयर कंडीशन है। रैंकिंग मार्क्स अगर हम दें तो फिर भाई 8.5/10 देंगे। जैसा कि आप देख भी सक रहे हो, इस टाइप के क्लासरूम से बहुत अच्छे नहीं है, बट देन ठीक है, अच्छा है, क्वाइट गुड। हॉस्टल की बात करते हैं, 9.5/10 की हॉस्टल को रेटिंग देंगे। क्यों? क्योंकि सफाई बहुत है, बहुत मेंटेन्ड हॉस्टल्स है, फोटो में आप देख सकते हो, बहुत अच्छी लाइटिंग है हॉस्टल्स में। आपको जो रूम्स मिलेंगे, चार हॉस्टल ब्लॉक्स हैं, 2 for males and 2 for females। एयर कंडीशन हॉस्टल्स नहीं है, कॉमन बाथरूम्स है एंड हॉट वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। जब सर्दियां होंगी तो आपको गर्म पानी की फैसिलिटी दी जाएगी। अब गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काफी कॉलेजेस आपको गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं देते। मतलब नॉर्थ इंडिया में अगर आप चले जाओ तो बहुत से ऐसे कॉलेज है, नॉर्थ इंडिया में तो आपको पता है ठंड भी बहुत पड़ती है, लेकिन वहां पर जो कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में गर्म पानी नहीं आता, उन बेचारे बच्चों का सोचो। तो भाई जो यहाँ पे जाने वाले भाई, आपको सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्मा गर्म पानी मिलेगा। जो रूम्स हैं वो ट्विन शेयरिंग है एंड सिंगल ऑक्यूपाइड है, दोनों के दोनों हैं। आपको ट्विन शेयरिंग वाला रूम चाहिए वो भी मिल जाएगा, सिंगल ऑक्यूपाइड भी मिल जाएगा, लेकिन सिंगल ऑक्यूपाइड थोड़े कम है। एंड आरओ वाटर फैसिलिटी आपको मिलेगी, मतलब पानी आरओ का है, बहुत अच्छा पानी है। अब हॉस्टल्स में कई बार बहुत कंप्लेंट होती है पानी को लेकर, लेकिन यहाँ का जो पानी है बहुत साफ सुथरा है। और सफिशियंट लाइटनिंग, जैसा कि आप फोटो में देख भी सकते हो, बहुत अच्छे से लाइटनिंग आ रही है ना इस रूम में, ऐसा ही आपको हॉस्टल मिलेगा। एक पर्सनल कबर्ड मिलेगी, एक स्टडी टेबल मिलेगा, एक स्टडी चेयर मिलेगी और एक कोजी बेड मिलेगा। जब सोना है तो बहुत मखमली नींद आएगी। सो गाइस दैट इज व्हाई 9.5/10 की रेटिंग, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज हर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड जिम। IMT नागपुर हैज प्रॉपरली फंक्शनल फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट पिच, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट। भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबव ऑल? आपको यहां पर सब कुछ मिल रहा है।
अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, आपके पास यहाँ पे बास्केटबॉल भी है, लॉन टेनिस भी है, देन व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट? आई डोंट थिंक सो आउटडोर फैसिलिटीज में और कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। 27 एकड़ का जो कैंपस है उसमें ये सब तो भाई मिलना जरूरी था ना, तो इसलिए उन्होंने वो प्रोवाइड किया। इंडोर एक्टिविटीज में अगर देखें तो कैरम बोर्ड, चेस, टेबल टेनिस, वो सब तो है ही है। उसके अलावा आपको जिम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लेकिन हर बच्चे का स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, जिनको होता है, जो नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो IIMT नागपुर में आपको फुल प्रॉपर एक आपके पास एक चांस होगा कि आप अपने पोर्ट्रे कर सको, अपने स्किल्स को, जो भी आपके स्पोर्ट्स वाले स्किल्स हैं आप वहां पे शो कर सकते हो। डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया अगेन बहुत अच्छा है, 8.5/10 की रेटिंग देंगे। एक लार्ज मेस हॉल विद कैपेसिटी ऑफ 1000 मेंबर्स टू डाइन एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे 1000 लोग डाइन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा एक बेकरी और आइसक्रीम मेकिंग यूनिट भी है अटैच विद द मेस। अब भाई ये बड़ी अनोखी सी बात है, ये नॉर्मली हम लोग को कॉलेजेस में मिलती ही नहीं है, तो ये यहाँ की एक अनोखी बात है। और दूसरी अनोखी बात, सेपरेट फ्लोर्स में आपको नॉनवेज और वेज मिलेगा। एक फ्लोर है जहां पे आप नॉनवेज खा सकते हो, एक फ्लोर है प्योर वेज वाला। तो जो मेरे दोस्त प्योर वेज वाले हैं, तो भाई आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना खाना प्योर वेज वाले सेक्शन में जाके भी खा सकते हो यार। देर इज अ सेपरेट फ्लोर, वन ईच फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इन द मेस ब्लॉक टू डाइन, फैब्रिकेटेड विद एक्सेलेंट फर्नीचर एंड RO फैसिलिटी। भाई RO फैसिलिटी आपको हर जगह यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद फैकल्टी क्वार्टर्स, क्या है कि यहाँ पे IIMT नागपुर में फैकल्टी को भी वहीं पे रुकना पड़ता है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रोग्राम है ना फुली। तो फैकल्टी का जो कमरा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, बाहर से आपको लेफ्ट वाली फोटो बता रही है, राइट साइड में अंदर का व्यू है। अब भाई 9/10 की रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि जैसा कि आपको कहा, एक रिजॉर्ट है ये कैंपस, एंड एक रिजॉर्ट में भी तो ऐसे कमरे मिलते हैं यार, इतने सुंदर आलीशान कमरे, तो इसलिए 9/10 की रेटिंग है गेस्ट के लिए एंड फैकल्टीज के लिए, आपके हॉस्टल के लिए नहीं है ये। कोर्सेज ऑफर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो IIMT नागपुर में टोटल 3 कोर्सेज ऑफर्ड है। PGDM कोर, कोर मतलब जिसमें कि आप फर्स्ट ईयर में सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में जाने के बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, जो भी। उसके बाद एक है PGDM इन मार्केटिंग और थर्ड है PGDM इन फाइनेंस। अब क्या है, PGDM जो कोर है उसमें भी आपको मार्केटिंग और फाइनेंस का ऑप्शन दिया जाता है, बट एक अलग से इन्होंने डोमेन रखा है PGDM मार्केटिंग और फाइनेंस का, जिसमें कि थोड़े से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एंड मेन जो फोकस है वो मार्केटिंग और फाइनेंस में दिया जाता है। यहां पर आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन अलाउड है। अगर आप चाहते हो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करना, जैसे कि आप चाहते हो मैं मार्केटिंग भी कर लूं, वो आपकी मेजर स्पेशलाइजेशन होगी, एंड उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोर PGDM को अपनी माइनर स्पेशलाइजेशन की तरह रख लूं, तो आप कोर PGDM भी पढ़ सकते हो, राइट? लेकिन ड्यूअल स्पेशलाइजेशन के लिए मत जाना, किसी एक में ही जाना। अब इनका टोटल 360 स्टूडेंट्स होते हैं, 120 ईच, 120 कोर PGDM, 120 मार्केटिंग, 120 फाइनेंस। अब इन्होंने फिर मार्केटिंग और फाइनेंस अलग क्यों किया, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि कुछ कंपनीज आती हैं जो सिंपली बोलती है कि हमें मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए जो एक्सपर्ट्स हैं। तो भाई अगर आप PGDM सिर्फ मार्केटिंग वाली करोगे तो आप एक एक्सपर्ट डोमेन में चले जाओगे, वहां से आपकी मार्केटिंग में जॉब मिलने के चांसेस, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट? तो इस बात को क्लियर कर लो, PGDM अगर आप कोर लेते हो उसमें जाके भी आप मार्केटिंग ले सकते हो, लेकिन वो आपकी स्पेशलाइजेशन में नहीं कहलाएगा मेजर। आपकी मेजर स्पेशलाइजेशन अगर मार्केटिंग फाइनेंस करनी है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसको अलग वाला जो कोर्स है सेकेंड और थर्ड, PGDM इन मार्केटिंग या PGDM इन फाइनेंस, उसको ऑप्ट कर लो, राइट? और ड्यूअल स्पेशलाइजेशन के लिए मत जाना भाई, बिल्कुल मत जाना, ठीक है? द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इन 6 एरियाज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, OB, HR, बिजनेस एनालिटिक्स एंड IT एंड इकोनॉमिक्स। दे हैव एन ऑप्शन फॉर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन एज वेल। नेक्स्ट आता है हाउ टू गेट एडमिशन इन IIMT नागपुर। अब भाई ये तो सबसे बड़ा सवाल है, IIMT नागपुर में एडमिशन कैसे मिलेगी? कैट, CMAT, ZAT के थ्रू एडमिशन मिलती है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं है। अब क्या होता है कि आपका कैट का एग्जाम, मान लो आप कैट के थ्रू जा रहे हो, तो आपकी 35% कैट की लगती है, 25% आपके जो पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका लगता है, 10% आपका वर्क एक्स का लगता है, 10% एकेडमिक डाइवर्सिटी, मतलब अगर तो आप भाई इंजीनियर हो तो आपको सबसे कम मार्क्स मिलते हैं,
अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, कोई डॉक्टर साहब एमबीए करने आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स आपको भी बहुत ज्यादा मिलेंगे एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स। एंड उसके बाद 20% होते हैं ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू जीडी वगैरह के, जो है वो 20% वेटेज है। इस पूरी वेटेज को 100% कर लो, ऐड कर लो, तो 100% बनेगा। इसका मतलब है कि 35% मार्क्स आपके कोई भी आप एग्जाम दो, कैट सीमैट जैट, उसके लगेंगे। और उसके अलावा जो मार्क्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, 25% आपके एकेडमिक स्कोर लगेगा, 10% आपका वर्क एक्स, 10% एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड 20% आपका जीडीपीआई का लगेगा, राइट। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर। अब भाई ये आपके सामने टोटल फीस स्ट्रक्चर दे दिया है, टोटल इनकी फीस जो है 14 लाख की है। आप देख सकते हो सामने डिटेल में फीस स्ट्रक्चर दिया है। फर्स्ट ईयर का 8,20,000 है एंड सेकेंड ईयर का आपका 5,80,000 फीस पड़ती है। बट क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कुछ कॉलेजेस ने फीस रिड्यूस की है, कुछ ने बढ़ाई भी है, लेकिन कुछ ने रिड्यूस भी की है। तो उनमें से एक ये भी कॉलेज है, इन्होंने 12,10,000 अपनी फीस अभी के लिए कोविड के लिए कर दी है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर चल रहा है ना, तो वो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज में नहीं हो रहा, तो इसलिए फीस कम कर दी है। बट देन अब आप नेक्स्ट ईयर में क्योंकि जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, तो आपको 14 लाख तक की फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है भाई प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो ध्यान से समझना। एवरेज पैकेज 7.94 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 2018-20 बैच का, मतलब जो करेंटली जिनको प्लेसमेंट मिली है उनका हाईएस्ट 16 लाख का पैकेज था। एंड अगर 2017-19 वाली बात करें, मतलब जो लास्ट ईयर जिनकी प्लेसमेंट हुई थी, उनका 23.7 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। टॉप 20% लोग, जो मान लो अगर ये 360 पीपल का बैच है, तो उसमें से टॉप 20% बच्चों को 10.7 लाख का पैकेज मिला, उनका एवरेज निकाला। 85% ऑफ द बैच प्लेस हुआ था, 100% प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान रखना 85% बैच प्लेस हुआ था अभी इस साल। और नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड इन 2020 वर 90 कंपनीज आई थी। अब क्या है ये आपके सामने मैंने एक स्टैटिस्टिकल वे में दिखा दिया कि हाईएस्ट सैलरी जो आपको ग्रीन वाली 2019 में है वो 23.7 लाख थी, 2020 में 16 लाख है। एवरेज जो है वो समवेयर बिटवीन 7 to 8 है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप इस कैंपस में जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है यू माइट रिमेन अनप्लेस्ड और चांसेस आर देयर कि आपको मे बी 5 या 6 लाख की भी प्लेसमेंट मिल सकती है। क्योंकि एवरेज सैलरी जब 7 लाख आ रही है, आप दोनों साल का देख सकते हो 7.64, 7.94 और 23 लाख हाईएस्ट पैकेज है। तो जब आप ये बात, क्योंकि अब आप कैट का एग्जाम दे चुके हैं, आपको समझ में आती है कि 23 लाख का अगर पैकेज है और 7.6 एवरेज है, तो मतलब उसके नीचे भी कुछ होगा। 23 लाख का पैकेज है हाईएस्ट, एवरेज 7 लाख का है, तो मतलब नीचे वाले भी तो बहुत लोग होंगे ना। तो वो बात को ध्यान में रखना कि नीचे भी बहुत कम पैकेजेस भी लगते हैं यहाँ पर। 85% बैच प्लेस हुआ था, 15% अनप्लेस रह गए थे, राइट। नेक्स्ट अभी ये रेगुलर रिक्रूटर्स की मैंने आपके सामने एक फोटो डाल दिया, आप देख सकते हो SBI, लाइफ इंश्योरेंस, विप्रो, KPMG, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, डेलॉयट, ये सब इनके रेगुलर रिक्रूटर्स हैं। समर इंटर्नशिप्स की बात करें तो हाईएस्ट स्टाइपेंड 50,000 पर मंथ दिया गया था एंड एवरेज स्टाइपेंड 14,000 पर मंथ दिया गया था। और ये प्रोफाइल्स दी हैं जिसमें कि अगर आप देखो तो फाइनेंस में जो समर इंटर्नशिप लगी थी 11% फाइनेंस कंपनी में लगी थी, 12% बिजनेस डेवलपमेंट में, HR 10%, मार्केटिंग 28% एंड बिजनेस एनालिटिक्स 9% एंड अदर्स 25%। अब गाइस 50,000 पर मंथ का समर इंटर्नशिप का पैकेज कम है, क्योंकि कई कॉलेजेस हैं, मतलब आप बाकी वीडियोस को जब मैंने रिव्यू किया आप उनको देखोगे, वहां पर 1.5 लाख, 2-2 लाख की भी समर इंटर्नशिप के हाईएस्ट पैकेज जाते हैं। एवरेज जो होता है उनका 20-25 आराम से निकलता है। यहाँ पे 14,000 पर मंथ एवरेज पैकेज है, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फ्री की इंटर्नशिप करनी पड़ती है या फिर 5,000-7,000-10,000 की इंटर्नशिप मिलती है। तो मतलब ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, राइट। रोल्स ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स, तो फाइनेंशियल एसोसिएट, एसोसिएट प्रोसेस मैनेजर, एसोसिएट कंसल्टेंट एंड वेल्थ मैनेजर, ये मेजर रोल्स जो इस बार ऑफर हुए थे 2020 वाले बैच के स्टूडेंट्स एंड कुछ 2019 जो लास्ट ईयर वाले बैच था, ये 2 साल में ये वाले जो मेजर रोल्स हैं ये वाले ऑफर हुए हैं। स्कॉलरशिप की अगर बात करें, स्पेशल स्कॉलरशिप 65%, मतलब 65% की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर कैंडिडेट स्कोरिंग 90% एंड अबव इन कैट 2019 एंड जैट एग्जाम्स 2020 एंड ऑफर्ड एडमिशन टू IIMT नागपुर फॉर PGDM बैच 2020-2022। देखो जो अभी वाला जो लास्ट ईयर जो कैट हुआ था 2019 में,
उसके बेसिस पे जैट 2020 बेसिस पे जिस इंसान की 90+ परसेंटाइल थी, मुझे एक खुद बात बताओ जिसकी प्लस 90+ परसेंटाइल है वो आईएमटी नागपुर क्यों आना चाहेगा? अगर आप मुझे सुन रहे हो और आपकी 90+ परसेंटाइल है तो डोंट गो फॉर आईएमटी नागपुर। आई एम इन्फॉर्मिंग यू, मैं आपको एक अलार्मिंग बेल बजा रहा हूँ, टन 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 टन, डोंट गो फॉर आईएमटी नागपुर। 90+ परसेंटाइल में बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर आपकी 90+ है मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है? तो ये वाला तो भाई स्कॉलरशिप हट ही गया है। 65% वैसे दे देंगे, कोई है कि जाना जाता है 65% स्कॉलरशिप भी तेरे को मिल जाएगी तुम्हें। 5 स्कॉलरशिप्स ऑफ 95% फी वेवर इन एकेडमिक फीस टू कैंडिडेट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। 5 ऐसे बच्चे सेलेक्ट करते हैं जिनको 95% ट्यूशन फी वेवर देंगे, ट्यूशन फीस का 95% जाएगा, ठीक है? ओवरऑल 14 लाख में से नहीं जाएगा, पीछे जाके देख लो जितनी ट्यूशन फीस है उसका 95% ये लोग काट देंगे। After completing first year of PGDM program, institute offers merit-based scholarship and merit-cum-means scholarship to the meritorious students across various specialization. तीनों specializations में आपको अगर आप merit में आते हो तो आपको scholarship मिल जाएगी, थोड़ी सी मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। And note, students are eligible for only one scholarship for the entire duration of the program. मान लो आप weaker section में आते हो, आपको वो 5 बच्चों में से आपको जिसको scholarship मिल गई, अब अगर आपने मेरिट पे भी आए हो तो आपको मेरिट वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है? इनका ये मतलब है कहने का। नेक्स्ट है क्लब्स एट आईएमटी नागपुर। तो भाई इनका जो मेन क्लब्स है आपके सामने लिख दिए मैंने, जैसे कि एक इन शेड्स है इनका, फाइन आर्ट्स फोरम, उसके बाद मार्क्यू है मार्केटिंग फोरम, फिनाहोलिक्स द फाइनेंस फोरम ऑफ आईएमटी नागपुर, साइक्लॉप्स जो इनका ऑपरेशंस फोरम है, इम्प्रिंट इनका फोटोग्राफी क्लब है, एनविजन एंटरटेनमेंट क्लब, हिप्नोटिक्स डांस फोरम। सबसे बढ़िया आपको बताओ इनका क्या करो, अगर आप में जैसे आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाओ एंड आप वहां पे जाके इनके क्लब का नाम लिख दो, आपको वहां पे उनके क्लब्स की बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर इवेंट्स जो आईएमटी नागपुर में होते हैं। एक पैंथियन इनका 2-डे एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप समिट होता है, कॉनकॉर्ड होता है इंटर रिलेटेड एनुअल मैनेजमेंट ओलंपिक्स, नेतृत्व 2 दिन का एनुअल एचआर कॉन्क्लेव होता है, मतलब एचआर वाला एक वो होता है फेस्ट से टाइप का, रन भूमि एनुअल स्पोर्ट्स मीट एट ऑफ एलुमनाई, मतलब स्पोर्ट्स मीट जो होती है उसका नाम है रन भूमि, माइलस्टोन 35 फ्लैगशिप एनुअल फेस्ट ऑफ आईएमटी नागपुर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका एनुअल फेस्ट है वो आईएमटी नागपुर का, उसका नाम है माइलस्टोन 35, स्पाइसी मके ये है कल्चरल इवेंट टू प्रमोट क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, मतलब कल्चरल फेस्ट का नाम है स्पाइसी मेके, एंड वॉयज 2 दिन का एनुअल स्टार्टअप इंटर्नशिप फेयर होता है। इसके बारे में मैंने काफी तारीफ सुनी है, जो इनका वॉयज है इसका काफी अच्छा मतलब बोला गया कि काफी इंफॉर्मेटिव सा ये सेशन होता है, बाकी सब तो चलो एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, एक ये और एक इनका जो एचआर वाला है नेतृत्व वो भी काफी अच्छा है, अगर आप एचआर में जा रहे हो तो आपको वहां से बहुत कुछ 2 दिन का जो है वो कई काफी नई बातें पता चलेंगी। लोन के लिए भाई 4 बैंक्स हैं, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, चारों लोन्स में जाओ पता करो जो लोन आपको आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वो दे रहा है, कम सबसे मतलब इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वहां पर जाओ, ठीक है? चारों बैंक्स में जाके बात करो, मैं यही कहूंगा अपने घर वालों के साथ, किसी बड़े के साथ जाना, खुद मत चले जाना भाई, ठीक है? नेक्स्ट है रैंकिंग्स की अगर बात करें तो ये आपके सामने रैंकिंग्स है यार, तो इनको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मेन है NIRF ने इसको 60th रैंकिंग दी है बी स्कूल में, ठीक है? उसके बाद अंदर की बातें, एंड शुड आई कंसीडर इट, भाई सबसे पहले तो मैं बोल दूं जिसका 90% अबव है, जिसका 85% अबव भी है, डोंट कंसीडर दिस, ठीक है? बिकॉज इन माई वीडियोस आई गिव यू अ प्रॉपर डिटेल रिव्यू एंड इसमें सारी सच्चाई बातें बताता हूं, कोई जरूरत नहीं आईएमटी नागपुर आने की। 85-90+ है तो बहुत से कॉलेजेस हैं, मुझे आप मेल कर लो kscsolutions@gmail.com या फिर कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा कौन से कॉलेजेस हैं आपके लिए। उसके बाद किसको कंसिडर करना चाहिए भाई, जिसके जिस बंदे या बंदी के 70+ परसेंटाइल है, फॉर्म फिल कर दो, आपको डेफिनेटली कॉल आ जाएगी, 70-75+ आप सब फॉर्म फिल कर दो आईएमटी नागपुर के लिए। अब अंदर की बात क्या है, अंदर की बात यह है अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है या फाइनेंस में है तब मैं कहूंगा ये ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट कोई एचआर टाइप के उसमें है या ऑपरेशंस में है
या बाकी की जो और दो कोर के अंदर आती हैं जो सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशंस मिलती हैं, देन आई वुड से मत करो आईएमटी नागपुर को कंसिडर। अगर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। अगर आपने बहुत ज्यादा कोई एक्सटेंसिव रिसर्च की है जिसके बेसिस पे आपको कुछ ऐसे का डेटा मिला है कि भाई मैं एचआर में करके बहुत ज्यादा हाइट्स अटेन कर सकता हूँ, तो आपकी मतलब आपकी अपनी श्रद्धा है। बट मैं जितना आपको गाइड कर रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आईएमटी नागपुर अगर आप मार्केटिंग या फाइनेंस नहीं ले रहे हो तो नहीं कंसिडर करना चाहिए। मार्केटिंग फाइनेंस के लिए आई वुड से कि ठीक है कॉलेज, अगर आपका इंटरेस्ट भी है उसमें तो किसी में मार्केटिंग या फाइनेंस तो आप यहाँ पर जा सकते हो। फीस की अगर बात करें तो भाई 14 लाख फीस है अकेली, उसके ऊपर 2 से 3 लाख का खर्चा लेके चलो, टोटल 16 से 17 लाख का खर्चा आपका 2 साल का लगेगा ही लगेगा। अब ये बात है कि 16 से 17 लाख खर्चने के बाद आपको जो प्लेसमेंट मिलेगी वो अराउंड 5 to 8 का ही ब्रैकेट रहेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग जब वेन एवर वी आर गोइंग टू एंटर कॉलेज, वी कांट एज्यूम दैट वी विल बी इन द मेरिट लिस्ट और विल ऑलवेज रिमेन एट द मेरिट लिस्ट और विल रिमेन एट द टॉप 20 लिस्ट, ठीक है? तो एंड मोर ओवर बीइंग इन अ मेरिट लिस्ट एंड गेटिंग अ प्लेसमेंट विच रैंक्स यू अमंगस्ट द टॉप 20% ऑफ स्टूडेंट्स इज अ वेरी डिफरेंट टास्क। आप 20% स्टूडेंट्स में हो टॉप के जो पढ़ाई में, वो अलग बात है, एंड आप 20% टॉप प्लेसमेंट वाले में हो वो एक अलग बात आती है। तो वो भाई बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, ये मेरा एक काम है आपको पिक्चर देना, 16 लाख खर्चने के बाद आप 5 से 8 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। सो गाइज, हाँ, जिन लोगों की 70+ है, 70 to 80, आई वुड से 80 से ऊपर वाले हैं, चलो 85 तक वाले इसको फिल कर दो, बट 85+ वाले प्लीज डोंट कंसिडर आईएमटी नागपुर। बहुत अच्छे से ऑप्शंस हैं आपके लिए, कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा आपके लिए क्या ऑप्शंस है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया यार तो प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, थोड़े सब्सक्राइबर्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे। एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ आपको रिव्यू कैसा लगा, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी है आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो, कैट मैट सी मैट जैट IIFT स्नैप जो मर्जी पूछना है जिस एग्जाम से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, आई एम अवेलेबल टू गाइड यू पीपल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।